Hello everyone, this is Harinder Sahu from King Research, SEBI Registered Research Analyst. आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, तहे दिल से शुक्रिया इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सारा मोहब्बत देने के लिए. सर, आई एम फ्रॉम हैदराबाद, तो आप लोगों को ने दिल खुश कर दिया. इतना मज़ा आया, इतना प्यार दे रहे हो आप लोगों. तीन चार दिन से ऐसे एम टू एम प्रॉफिट अपना व्हाट्सएप में शेयर कर रहे हो, दिस इज़ अमेजिंग गाइज. सो थैंक यू सो मच. मैंने आपको बताया था कि मेरा प्रमाण पत्र सिर्फ एक ही है. अगर मेरी स्ट्रैटेजी से आपको फ़ायदा हो पा रहा है, उल्टा पुल्टा पार्ट टू, और जो आपको और स्ट्रैटेजी दी है, CPR स्ट्रैटेजी मैंने आपसे शेयर करी है, प्लस 920-925 वाली स्ट्रैटेजी आपसे शेयर करी है. अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने आपको मार्केट प्लस मार्केट माइनस जो पावरफुल सेटअप अगेन मेरा है वो मैंने आपसे शेयर करी, और विद इन 2 to 3 days जो लेटेस्ट वीडियो डाला है आपके साथ मैंने मार्केट प्लस और मार्केट माइनस, उसमें तो गाइस अमेजिंग विद इन 2 days 25,000 प्लस व्यूज. थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल लव. सो अगेन मेरा नेक्स्ट स्ट्रैटेजी आप लोगों के सामने है, एक और पावरफुल टूल जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं, SRM स्ट्रैटेजी. यस, कई बार मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों से शेयर किया है, आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया होगा. बहुत सारे लोगों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप में, मेल्स में मेरे को आ रहे थे कि सर प्लीज़ अपना मनी मैनेजमेंट, स्टॉक सिलेक्शन, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हो वो थोड़ा सा बताइए, सो दैट वी विल ऑल्सो यूज़ योर स्ट्रैटेजी एंड अप्लाई इन टू आवर स्ट्रैटेजी एंड दे विल ऑल्सो मेक अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज पर योर प्रॉकेट, राइट. तो आ जाते हैं टाइम वेस्ट करते हुए गाइस. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ जो लोग फ्रेशर्स हैं, जो लोग नए देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और बेल आइकन का जो बटन है उसको जरूर जरूर दबा लीजिए, क्योंकि इस तरह की मैं आगे चल के और बहुत अच्छे अच्छे मार्केट की स्ट्रैटेजी आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ. तो विदाउट वेस्टिंग एंड माई टाइम कम टू द PPT. सो SRM स्ट्रैटेजी, राइट, वॉट इज दिस आपके सामने है. SRM स्ट्रैटेजी कुछ नहीं सर, एक छोटा सा SRM, स्टॉक सिलेक्शन, रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट. पावर ऑफ स्टॉक सिलेक्शन, पावर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, पावर ऑफ मनी मैनेजमेंट, जो मैं टर्म्स यूज करता हूं. इन दिस स्ट्रैटेजी आई विल टेल यू हाउ टू सर्वाइव इन स्टॉक मार्केट विद मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट. ओके, दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल टूल. आप मेरे कोई भी वीडियो में जाके देख लीजिएगा, मैंने चीख चीख के चिल्लाया, कोई भी आपकी स्ट्रैटेजी है सिर्फ 20% काम करती है, रिमेनिंग 80% आपका साइकोलॉजी काम करती है, और उस साइकोलॉजी को, ह्यूमन इमोशंस को जो कंट्रोल करना है वो इन मेथड से, इन टूल से आप कंट्रोल कर सकते हो स्टॉक मार्केट में, बिकॉज वी आर अ ह्यूमंस. इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बट विद द हेल्प ऑफ मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉक सिलेक्शन, आप सही स्ट्रैटेजी को यूज करके पैसा बना सकते हो इंट्राडे प्लस स्विंग ट्रेडिंग के लिए. तो गाइज ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को भगाइएगा मत. चलिए, यस, स्टॉक मार्केट इज द गेम ऑफ ऑब्जर्वेशन, स्टॉक मार्केट इज द गेम ऑफ ऑब्जर्वेशन. एंड डोंट फॉरगेट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज, डोंट फॉरगेट इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑल्सो, राइट. सिर्फ जो भी मैंने आपके सामने स्ट्रेटेजी दी है पूरा ऑब्जर्वेशन है, नथिंग एल्स, प्योर प्राइस एक्शन एंड ऑब्जर्वेशन. और गाइज प्रोबेबिलिटी, जितना नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी आपका ज्यादा होगा उतना नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी आपका पैसा बन सकता है. कैसे? इन माय प्रीवियस वीडियो आई ऑलरेडी मेंशन दैट हाउ टू डू स्टॉक सिलेक्शन एंड ऑल, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, किस तरह से इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन किया गया है, और आप लोगों को नहीं समझ में आया तो ये जो तीन पावरफुल टूल आप राइट साइड में देख रहे हैं, यस, अपने राइट साइड में देख रहे हैं, पावर ऑफ स्टॉक सिलेक्शन, पावर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, पावर ऑफ मनी मैनेजमेंट, ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने सीख लिए तो मार्केट में झिंगा लाला, मार्केट में झिंगा लाला. और टेंशन मत लीजिए सर, बहुत सिंपल है, जस्ट नहीं समझ में आए वीडियो को बार बार समझना. सो गाइस, फर्स्ट पावर ऑफ स्टॉक सिलेक्शन फॉर इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग. पहला पॉइंट, इन विच स्टॉक पीपल हैविंग इंटरेस्ट, वो स्टॉक्स ढूंढो जिसमें दुनिया इंटरेस्ट ले रही है.
आई मीन टू से आप सीएनबीसी आवाज टीवी का खोल के रखो, जी न्यूज को खोल के रखो, जो भी बिजनेस रिलेटेड स्टॉक मार्केट के चैनल्स हैं उनको आप अपने स्क्रीन पे लगा के रखो, उनमें जो बजिंग स्टॉक्स है उन पर रडार पे रखो, क्योंकि पीपल उसमें इंटरेस्ट है। टीवी के माध्यम से नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स को दिखाया जाता है और वो लोग उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। तो पहला, which stock people having interest and where they trapped in last week and yesterday, कहाँ पे उनकी पोजिशन स्टक हुई थी। आई मीन टू से अचानक से आपके बाइंग है और अचानक से वो स्टॉक गिरा है, ड्रास्टिकली डिमांड एंड सप्लाई अप एंड डाउन हुआ है और वो स्टॉक 5% 6% 7% डाउन और 5% 6% 7% अप। यानी कि अगर वो स्टॉक सडनली एक दिन में इंट्राडे मूव हो रहा है, कोई ना कोई प्लेयर उसमें फंसा है, कोई ना कहीं वो ट्रैपिंग है ऑपरेटर की, राइट। तो लास्ट वीक जो स्टॉक ट्रैप हुए हैं या फिर एक दिन पहले जो स्टॉक ट्रैप हुए हैं उसको अपने स्टॉक सिलेक्शन में ले आइए। सेकेंड पॉइंट, ओपनिंग बेल। गाइज, बहुत सारे ट्रेडर्स जो मार्केट में आते हैं और भगा दिए जाते हैं, उनका पैसा चुरा लिया जाता है, उनका पैसा स्टॉक मार्केट में लॉस करा दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर साइकोलॉजी समझ में आ रही कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि आपके साथ हुआ है कि नहीं हुआ है। ओपनिंग बेल में जैसे ही आपको 2% अप और बिलो 2% अप डाउन होता है, बड़े बड़े प्लेयर्स आपको दिखाते हैं कि मैं तो तेजी में जा रहा हूं, और जैसे ही आप एंट्री लेते हो वो घुस जाता है, राइट। तो उस चीज को कैसे बचा जाए, तो आपको क्या करना है, 2% से अबव या बिलो 2%, ऑलरेडी मैंने अपनी स्ट्रेटेजी में मोस्ट ऑफ द टाइम यही यूज करता हूं, 3%, 2%, 5% मेरी सारी स्ट्रेटेजीज के अंदर, तो वही सेम कॉन्सेप्ट, 2% अबव और 2% बिलो उसको अपने रडार पे ले लीजिए। सेकेंड पॉइंट, पावर ऑफ स्टॉक सिलेक्शन का। थर्ड पॉइंट, विच स्टॉक इज नॉट फॉलोइंग निफ्टी ट्रेंड, यानी कि मार्केट प्लस एंड मार्केट माइनस की जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो उसी के अंदर बिहेव करती है, उसी के अंदर आती है। जो सपोज करो सर, आज निफ्टी ऊपर जा रही है, निफ्टी कंटिन्यूसली कमिंग अप, बट स्टॉक इज नॉट मूविंग, होते हैं आपके सामने बहुत सारे, स्टॉक इज नॉट मूविंग, बस उन्हीं को पकड़ लीजिए, उन्हीं पे अपना शिकंजा पकड़ लीजिए, उसी पे अपना जाल बिछा दीजिए, वो स्टॉक आपको भरपूर पैसा बना के देने वाला है, ठीक है। इफ निफ्टी प्लस बट फ्यू स्टॉक्स, पर्टिकुलर फ्यू स्टॉक्स इज नॉट मूविंग प्रॉपरली और दे आर ओपनिंग बिलो और दे आर माइनस इन 2%, 2% से बिलो अगर वो ओपन हो रहे हैं, मार्केट प्लस है, निफ्टी प्लस खुली है बट स्टॉक 2% डाउन खुला है, बस उसको भी आप ट्रैप कर लीजिए, और एल्स वाइस वर्सा अपोजिट साइड में, यानी कि मार्केट नेगेटिव है स्टॉक अप खुले हैं, 2% से ऊपर खुले हैं, उसको आप अपने रडार पे ले लीजिए। तो ये तीन पावरफुल टूल, और सेकंड लास्ट फोर्थ पॉइंट इज, डू यू नो मोस्ट ऑफ द लूजर्स इज वेरी हंग्री फॉर ट्रेड, जैसे ही स्टॉक खुलता है तुरंत भागते हैं, दे ऑलवेज प्लेस ऑर्डर इन जस्ट 5 to 10 minutes, उनको लगता है पता नहीं 5 मिनट 10 मिनट में मार्केट बंद होने वाला है, 5-10 के लिए खुला है, लूट लगी है, लूट लो। गाइस, थिंक लाइक अ साइकोलॉजी, वी आर अ स्मॉल प्लेयर्स, वी आर अ स्मॉल छोटू ट्रेडर्स, तो छोटू ट्रेडर को कैसे सेफ मार्केट में प्लेयर करना है, पहले मार्केट को डिसाइड होने दो, जब एक बार मार्केट डिसाइड हो जाए उसको फॉलो करना चालू कर दो, सिंपल, दिमाग लगाना ही नहीं है। बार बार मैं अपनी क्लास में बोलता हूं, ट्रेड लाइक अ डम, राइट। सो ऑलवेज प्लेस ऑर्डर इन फर्स्ट 5-10 minutes, यू शुड वेट फॉर 5 to 10 minutes, डोंट प्लेस ऑर्डर विद इन 5 to 10 minutes, जैसे ही मार्केट खुल रहा है नहीं करना है आपको ट्रेड लेना है, आफ्टर 10 से 15 मिनट के बाद, डिपेंड अपॉन योर स्ट्रैटेजी, जैसे आपकी स्ट्रैटेजी, और मेरी स्ट्रैटेजी सब चीज मैं बोलता हूं, 5 मिनट का वेट करो, फर्स्ट कैंडल को बनने दो, उसके बाद ट्रेड लेंगे, राइट। तो 5 से 10 मिनट का आपको वेट करना है, आपके पास जो भी स्ट्रैटेजी उसको फॉलो करो। एंड सेकेंड लास्ट फॉर स्टॉक सिलेक्शन इज इन विच स्टॉक न्यूज आउट,
किसी भी स्टॉक में कुछ न्यूज है, रिजल्ट है, बोनस है, कुछ भी किसी भी तरह का, उसको भी आप अपने रडार पे रखो, क्योंकि सर आप इंट्राडे के लिए काम कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग के लिए काम कर रहे हो, इसका मतलब आपको थोड़े से वोलेटिलिटी जिसके अंदर है वो स्टॉक को रडार पे लेना पड़ेगा, राइट। सोते हुए स्टॉक पे रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पोजिशनल भले ही अच्छे हो सकते हैं बट इंट्राडे एंड स्विंग के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इस तरह की चीजें, इस तरह के कॉन्सेप्ट जो मैं पर्सनली ऑब्जर्व करता हूँ वो आपके सामने है। ऑलवेज वॉच सीएनबीसी आवाज एंड कैच द बजिंग स्टॉक्स, कैच द बजिंग, ओनली बजिंग स्टॉक्स। क्या रिकमेंड कर रहे हैं वो नहीं सुनना है, सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन के लिए उनके पास जो बड़ी टीम है वो टीम का आप यूटिलाइज करो, बिकॉज यू आर अ सिंगल वन मैन आर्मी, तो आपके पास इतनी बड़ी क्वालिफाइड टीम नहीं है, तो बस उनकी वो जो टीम के जो स्टॉक सिलेक्शन है वो हायर कर लो, वो देख लो, वो समझ लो, और अपने पास जो स्टडी है, अपने पास जो पावर ऑफ स्ट्रेटजी है उसको उसके अंदर एग्जीक्यूट करो। अगर बाई आता है बाई करेंगे, सेल आता है तो सेल करेंगे। सो दीज आर द 5-6 पॉइंट्स विच इज वेरी पावरफुल इन द स्टॉक सिलेक्शन, कीप इन माइंड गाइज। सेकेंड पॉइंट, पावर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, राइट। Follow the trend. Yes, follow the trend of the market. One of the proven method to minimize risk in a stock market. Trend ke saath khelo, kehte na, trend is your friend. Bas wahi concept hai guys. The problem is too difficult to spot trends the market, and trend changes very fast. कब ट्रेंड चेंज होगा आपको इसका दिक्कत होता है, और इसीलिए बोलता हूँ क्लास ज्वाइन करोगे तो आपको ये चीज समझ में आते है कि कब ट्रेंड चेंज हो रहा है, कब ट्रेंड में बैठना है, कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव ट्रेंड है, नेगेटिव ट्रेंड है। वो नहीं जो किताब में लिखा है, वो जो साइकोलॉजी से आती है, मार्केट में रिसर्च से आती है और ऑब्जर्वेशन से आती है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, अपना कोई भी ट्रेड कर रहे हो सर, 3-4-5 जो भी ट्रेड लेते हो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऑटो में किया जाए, जरूरी नहीं है कि सिर्फ फार्मा स्टॉक्स में किया जाए, डाइवर्सिफाइड करो। अगर पूरे मार्केट में 9:15 में मार्केट खुलता है और आपके पास इंडेक्स आप देख सकते हो, राइट, इंडेक्स का आप देख सकते हो, आप उसमें इंडेक्स में अगर 2-3 इंडेक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसको भी आप स्टॉक सिलेक्शन ले सकते हो। उन सब के इंडेक्स के अंदर जो भी स्टॉक्स आते हैं उनके ऊपर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो अनदर यूजफुल रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी इज, स्टॉक मार्केट इज टू डाइवर्सिफाइड योर रिस्क बाय इन्वेस्टिंग टू सेवरल कंपनीज। देयर इज प्रोबेबिलिटी दैट विल दैट व्हाइल द मार्केट वैल्यू ऑफ द सर्टेन इन्वेस्टमेंट डिक्रीज दैट ऑफ योर अदर मे इंक्रीज। हो सकता है आपने मान लो दो डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनीज पे आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है, हो सकता है एक इन्वेस्ट आपके हिसाब से काम ना करे लेकिन सेकंड वाला काम करे, तो प्रोबेबिलिटी, अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी का गेम है, बट हम क्या करते हैं सारा पैसा एक ही में, फंसोगे गाइस। थर्ड पॉइंट, स्टॉप लॉस और ट्रायलिंग टूल, राइट। स्टॉप लॉस गाइस हमेशा याद रखना, मैं कभी भी अपने हाथ से पोजिशंस को नहीं काटता, कभी भी सामने से मैं पोजीशंस को नहीं काटता, मैं सिर्फ ट्रायलिंग स्टॉप लॉस लगाता हूँ, और ट्रायलिंग स्टॉप लॉस का अलग ही मैजिक है। पता नहीं आप लोग कितने यूज करते हैं, जो लोग यूज करते हैं उनके लिए सल्यूट है गाइस। ट्रायलिंग स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस वेरी पावरफुल, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रायलिंग स्टॉप लॉस मार्केट में काम नहीं करने का, स्ट्रिक्टली अवॉइड करने का, टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम लूजिंग एनी गेन। मान लो कोई प्रॉफिट आ रहा है, अच्छा खासा 20-25 पॉइंट चढ़ा हुआ है, और अचानक से उसमें मंदी आ जाए तो आप क्या बोलते हो, अरे यार स्टॉक तो चढ़ रहा था अब लॉस हो गया, जो प्रॉफिट आ रहा था वो भी चले गया, तो उससे बचने के लिए ट्रायलिंग एसएल लगाओ, राइट। स्टॉप लॉस वेरी इंपॉर्टेंट, तो एग्जांपल आपके सामने है, सो लेट्स से द स्टॉक विच यू बाय एट 500 रुपीज रोज टू 525 रुपीज, 25 पॉइंट का मूव हो गया है, आपका ट्रायलिंग एसएल 1% का है, स्टॉक फेल डाउन एट 220 रुपीज, देन क्या होगा, आपका ट्रेलिंग एसएल गॉट ट्रिगर्ड। कोई बात नहीं, 5 रुपए लॉस किया, स्टिल यू आर गेटिंग 20 पॉइंट्स, राइट। कीप मूविंग योर स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस लगाओ और हिट होने दो, सामने से नहीं पोजीशन काटना। दिस इज पावर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट फॉर इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग बाय किंग रिसर्च बाय हैरी, जो सर ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन है जो मैंने आपको निकाल के देने की कोशिश करी है। इन सिंपल वर्ड्स, रिस्क कितना लेना है,
एक ट्रेड में कैसे डिसाइड करोगे उसका दिया है मैंने आपको. अकॉर्डिंग टू मी इफ यू हैव कैपिटल बिलो 5 लाख, सर दिस इज एक्चुअल रियलिटी और आप लोग मिथ में जी रहे हो. इफ यू हैव कैपिटल बिलो 5 लाख रुपीज देन यू शुड नॉट ट्रेड इन फ्यूचर. यू शुड नॉट ट्रेड इन फ्यूचर्स, कीप इन माइंड यू शुड नॉट ट्रेड इन फ्यूचर्स. बट फ्यू पीपल आर डूइंग द फ्यूचर ट्रेडिंग एंड मोस्ट ऑफ प्लेयर्स आर डूइंग गैम्बलिंग. क्योंकि इमोशन है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट 50,000 1 लाख है, उसमें आप फ्यूचर में काम कर रहे हैं एक्सपोजर का यूज करके. एक्सपोजर लेते हो और हल्का सा भी ऊपर नीचे होता है, दिल की धड़कनें ऐसे तेज होने लगती है. प्योर गैम्बलिंग है. अच्छी चीज भी खराब कर देते हो, खराब चीज भी अच्छी बना लेते हो, कुछ भी होता है. फिर बोलते हो मार्केट सट्टा है. उन लोगों के लिए जगह नहीं है मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो. बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं, 80% साइकोलॉजी काम करती है, राइट. प्लेयर्स आर डूइंग गैम्बलिंग एंड रनिंग फॉर बाय विच इज ऑलरेडी अप. जो ऑलरेडी स्टॉक उठ गया है, बबल्स ऑलरेडी बड़ा बन चुका है, बड़ा बबल हो चुका है मार्केट में. रोज सब बोल रहे हैं मार्केट में अच्छा है, ये है वो है, आप लोग सब बाई करो. गाइज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है. इन माई 12 ईयर्स ऑफ प्रोफेशनल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आई एम गोइंग टू शेयर यू 2 पॉइंट्स. आई नेवर टेक, सर मैं अपना सीक्रेट बता रहा हूँ आप लोगों के सामने, प्लीज इसको यूज करना, देखना, वेरी पावरफुल. आई नेवर टेक प्रॉफिट फ्रॉम माई हैंड. आई ऑलवेज यूज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. माई रिस्क इज ऑलवेज फिक्स. जैसा कि आप मेरा टेलीग्राम में ज्वाइन किए हैं, वहां मैं फ्री टिप्स देता हूँ, वहां पे अपना एल्गो ट्रेड का जो भी है वो सेटअप देता हूँ, प्लीज अभी ज्वाइन कर लीजिए. तो वो जो टेलीग्राम में मैं मॉर्निंग में पावर ऑफ स्टॉक सिलेक्शन कुछ जो स्ट्रेटेजी शेयर करी है उनके जो पोस्ट करता हूँ, उसमें आप नोटिस करना मेरा स्टॉप लॉस 1% का रहता है, उससे ज्यादा नहीं रहता है. तो माई रिस्क इज ऑलवेज फिक्स इन ईच एंड एवरी ट्रेड. बिलीव नहीं हो रहा, अभी जाके चेक करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहां पे चेक करो. एंड चाहे स्टॉक 100 का हो या 2000 का, ऑलवेज रिस्क मेरा सेम रहता है. अगर मैं 500 रुपये मार्केट में लूज करना चाहता हूं तो मैं 500 रुपये ही खोऊंगा, चाहे वो स्टॉक 100 रुपये का है, 2000 रुपये का. कैसे, दैट ऑल्सो आई एम गोइंग टू शेयर यू, नो नीड टू वरी. भगा भगा के नहीं, कंटिन्यू देखो. सो हाउ टू कैलकुलेट योर रिस्क. Suppose if you have 1 lakh capital and you select Axis Bank for the trading purpose right now, right away, jiska CMP suppose karo 700 rupaye hai, you should take risk 0.5 to 1%, maximum 1% ka aap stop loss laga ke chalo par trade mein. Ki aapka जो रिस्क है 1% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए. बिफोर प्लेसिंग ट्रेड यू शुड माइंड मेकअप, अपना माइंड बना लो. अकॉर्डिंग टू 1 lakh कैपिटल योर पर ट्रेड रिस्क शुड बी 500 रुपीज, करेक्ट. अगर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो आपका जो ट्रेड होना चाहिए मैक्स टू मैक्स 500 रुपए का रिस्क होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. कैसे कैलकुलेशन करेंगे आपके सामने है. एक्सिस बैंक फॉर एग्जाम्पल बाय सिग्नल एंट्री आपको 700 रुपए का स्टॉप लॉस 5 रुपीज का, यानी कि 695 रुपीज का. तो कैसे कैलकुलेट करना है ये देखिए. डिफरेंस पहले निकाल लीजिए कि भैया एंट्री और स्टॉप लॉस में क्या डिफरेंस है. 5 रुपए का यहाँ पे डिफरेंस है, राइट. तो क्वांटिटी कैसे आएगी, आपने डिसाइड किया 500 रुपए रिस्क. मार्केट नहीं डिसाइड करेगा, आप डिसाइड करोगे आपके पॉकेट के हिसाब से कि मेरे को कितने का रिस्क लेना है. अगर मेरे को 1000 का लेना है, अगर मेरे को 500 रुपीज का लेना है पर ट्रेड रिस्क, कि मेरे भैया एसएल गया तो उतना ही पैसा जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं. मार्केट नहीं डिसाइड करेगा, वी विल डिसाइड, बिकॉज मनी इज आवर, इन्वेस्टमेंट इज आवर्स, राइट. तो 500 रुपए का डिसाइड कर रहे हो तो 500 डिवाइड बाई जो डिफरेंस था एंट्री और स्टॉप लॉस में, यानी कि 5 पॉइंट्स का 250 क्वांटिटी आपको ट्रेड करना है. गाइस वेरी पावरफुल, इसको लगा डाला तो लाइक झिंगा लाला. हर ट्रेड में अगर लूजिंग भी है, 50% एक्यूरेसी लेवल भी है, तो भी आप पैसा कमा लोगे. और अगर नहीं लगाओगे 80% आ जाओ. इंपॉर्टेंस ऑफ मनी मैनेजमेंट, थर्ड पावरफुल टूल. इंपॉर्टेंस ऑफ मनी मैनेजमेंट, नो मैटर हाउ टेक्निकल स्किल अ ट्रेडर मे बी, पुअर मनी मैनेजमेंट कैन कॉज ऑल काइंड ऑफ अनफोर्स्ड एरर रिजल्टिंग इन अकाउंट ब्लोन अप. होप यू अंडरस्टैंड. मनी मैनेजमेंट एंटेल्स
managing risk and leverage, right? Even if a trader has 80% winning ratio or 18% win rate and poor money management, socho strategy 80% accuracy level hai but poor money management hai, on that 20% case you can wipe out. Sirf 20% aapka kharab hai, utne mein agar money management nahi, aapka paisa gayab ho jayega from your account. Whereas a trader with 50 to 60% winning rate, jo main bol raha hu aapko, 50 se 60% ki accuracy level bhi hai, to bhi paisa bana lega kyunki uske paas money management hai. Correct? Very strong money management skill. Last point, proper money management is always work in progress. That is determined by the experience, discipline, prudence and preparation, and very important point, emotional control. Emotion control कहते हो ना सर, emotion आता है, कैसे control करोगे सर, ये एक powerful tool है, इसको लगा डालोगे emotion अपने आप खत्म हो जाएगा. Emotion क्या? ज़्यादा पैसा गंवाने का, stop loss hit होने का. जब आपको पहले ही पता है भैया मेरा छोटा सा risk है, छोटा सा stop loss, छोटा सा risk amount है, stop loss hit हुआ तो इतना ही जाएगा, तो सर फिर किस चीज़ का emotion? SL लगाओ, छोड़ दो, trailing SL लगा लो, बात खत्म. सारे बड़े बड़े players आपको trailing SL अच्छी रेट में दे रहे हैं, राइट? अगेन, मनी मैनेजमेंट को कैसे कैलकुलेट जाए? सो हाउ टू कैलकुलेट योर रिस्क? सपोज इफ यू हैव 1 lakh इन्वेस्टमेंट अमाउंट एंड योर ब्रोकिंग फर्म गिविंग यू 10% एक्सपोजर ऑन योर अकाउंट, देन ईच एंड एवरी ट्रेड शुड बी इन्वेस्ट ओनली 50,000 एक्सपोजर. सपोज आपका 1 lakh का इन्वेस्टमेंट है, आई विल टॉक अबाउट ओनली छोटे ट्रेडर्स. भाई लोग प्लीज, आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ये वीडियो, और जो लोग मेरे ट्रॉलर्स हैं, जो लोग भी मेरे ट्रॉलर्स हैं, सर ध्यान से सुन लो, जब से मैंने अपना एक्सपीरियंस का पिटारा खोला है ना, उनकी बोलती बंद हो गई है. बहुत लोगों को प्रॉब्लम होने लग गई है उससे, भाई ये सब बता देगा तो हमारा क्या होगा. This message only for haters and my trollers. ध्यान से सुनिएगा भाई लोग, तुम जितना भी कर लो, तुम जितना भी कर लो सितम, हंस के सहेंगे हम, बट ये काम ना होगा बंद, और ऐसे ही करते रहेंगे आपकी नाक में दम. दोबारा रिपीट करके सुन लेना अगर मन करे तो, क्योंकि जो गड्डी नूहे चलेगी, जो गड्डी नुए चलेगी भाइयों, हेल्प करो और आगे बढ़ो. बस दुआ में याद रखना, अगर हेल्प हो रही हो, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है, सिर्फ चाहिए दोस्त दुआ में याद रखना, और पैसा कमा रहे हो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप में भेज देना, क्योंकि वो जो भेजोगे ना उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके सामने और अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजी देने की पूरी कोशिश करूँगा. ठीक है, आ जाओ. अगर एक्सपोजर की बात कर रहे थे, इफ यू हैव 1 lakh रुपीज इन्वेस्टमेंट अमाउंट, छोटे ट्रेडर हो, योर ब्रोकिंग फर्म गिविंग यू 10% एक्सपोजर, सब देते हैं आज के, इससे भी ज्यादा देते हैं, मैं एक एवरेज लिया है, तो सर आपको एक्सपोजर लेना है 50% का, 50,000 रुपीज का ईच ट्रेड. तो हाउ टू सेट क्वांटिटी बाई मनी मैनेजमेंट, आ जाओ. 50,000 जो आप एक्सपोजर ले रहे हो, डिवाइड बाई स्टॉक प्राइस, जो भी स्टॉक प्राइस है, 6,000 का, 5,000 का, 500 का, 200 का, 5,000 का, जो भी स्टॉक प्राइस है, 50,000 डिवाइड बाय स्टॉक प्राइस कर देना, जो आएगा दैट इज योर क्वांटिटी फॉर द मनी मैनेजमेंट. ये सिर्फ एक्सपीरियंस प्लेयर बताएगा आपको, है कोई मार्केट में जो ये चीज बताता हो यूट्यूब में? छान लेना, छान लेना. जो ट्रेडर है, जो खुद ट्रेड करता है, वही चीज बता सकता है, एक्सपीरियंस प्लेयर ही बताएगा. डोंट टेक रिस्क मोर देन 2% इन एनी स्टॉक, बोल्ड लिख के दे रहा हूं रेड कलर में, कलर क्लियर. आ जाइए, माय एडवाइस, एंड ऑफ द मोरल ऑफ द स्टोरी, माय एडवाइस, एज पर माय फर्स्ट वर्ड, स्टॉक मार्केट इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, देन डोंट डू 1 or 2 ट्रेड इन अ डे. आप लोग क्या करते हो, एक ट्रेड, दो ही ट्रेड लेते हो, सोचते यार इसी में पैसा बन जाए. पर्सनल मैं बोलूं सर, बिकॉज मैं 0 से लेके थोड़ा सा आगे तक आ चुका हूँ, मैं पर्सनली 5 से 7 ट्रेड लेता हूँ मिनिमम.
10-12 तो आराम से चले जाते हैं ऑन एन एवरेज, और 15-20 कोई 25-30 भी कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए ट्रेड। आप MTM मेरा देख लेना, वीडियो में है बहुत सारे ट्रेड, मैंने एल्गो से भी वही बनाए हैं, खुद भी जो मैनुअल ट्रेड करता हूँ, एक नहीं दो नहीं बहुत सारे ट्रेड्स रहते हैं, राइट। प्रोबेबिलिटी, अगेन प्रोबेबिलिटी, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। देन डोंट डू वन और टू ट्रेड इन अ डे, एटलीस्ट डू मिनिमम 5-7 ट्रेड। कहोगे सर ये कैसे होगा, ये एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस मार्केट दोस्त, बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे, सीखना पड़ेगा, और यही चीज़ हम अपनी क्लास में आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। अगर ये चीज़ फ्री में मैं आपको ये दे रहा हूँ तो सोच के देखिए क्लास में किस तरह से मैं 10 दिन की ऑनलाइन क्लास में मैं आपको सिखाता हूँ, या 2 डेज के वर्कशॉप में आपको मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। थिंक लाइक अ बिग शार्क, मेंटेन द रिस्क रिवॉर्ड, मिनिमम इज टू 1:2, गांठ बांध लो। मेरा मिनिमम 1:3 होता है, बट फॉर यू 1:2 तो मिनिमम होना चाहिए, होगा तभी ट्रेड लेना है, नहीं होगा तो ट्रेड नहीं लेना है, बात खत्म। ट्रेड के लिए मत भागो, क्वालिटी के लिए भागो, ट्रेड के लिए मत भागो, क्वालिटी के लिए भागो, क्वालिटी मिलेगी ट्रेड लेना है, नहीं मिलेगी छोड़ दो। डू यू नो फॉर मेकिंग मनी यू नीड ओनली 50% एक्यूरेसी लेवल, यस आई हैव पर्सनल सेटअप जिसे 40% की एक्यूरेसी लेवल में भी पैसा बनता है दोस्त। जल्दी ही अपना एल्गो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, एल्गो स्ट्रेटजी, एल्गोरिथम जो ट्रेडिंग होती है वो आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ, जिससे कि आप भी उसके हेल्प से पैसा बनाने की सोच सको। यू कैन ऑल्सो, आप कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स राइट साइड में आप देख लीजिए, यू कैन ऑल्सो मेक मनी फ्रॉम लॉस मेकिंग स्ट्रेटजी, इंपॉर्टेंट। स्टॉप सर्चिंग 80-90% एक्यूरेसी लेवल कॉल, आप ढूंढते हो ना जिसकी 80-90% एक्यूरेसी लेवल है, सर मैं आज बेट कर सकता हूं बड़े से बड़ा प्लेयर, पॉसिबल ही नहीं 80-90% एक्यूरेसी लेवल। उनका सिर्फ मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉक सिलेक्शन ही पावरफुल है जो साइकोलॉजी का काम करता है, बाकी स्ट्रेटेजी सिर्फ उनकी 50-60-70% ही काम करती है। पूछ लेना आपके कोई है, और जो बड़े भाई देख रहे हैं अगर सही हूं, गाइस दुआ में याद रखना दोस्त, अगर सही हूं नोट रोलिंग, प्लीज कमेंट करके देना अगर इफ यू आर अ प्रोफेशनल ट्रेडर और आपको चीज मेरी कनेक्ट हो रही है तो। नो नीड ऑफ 80-70% एक्यूरेसी लेवल, प्रोफेशनल ट्रेडर का एक्यूरेसी लेवल सिर्फ 50-60-70% का होता है मैक्स टू मैक्स, और मेरा एक स्ट्रेटेजी अगेन 40% है, फिर भी मैं पैसा बना रहा हूं बिकॉज 10 टू ट्रेड डेली करता हूं, 10 से 20 ट्रेड में मिनिमम करता हूं, और मेरे जो टेलीग्राम में भी जो स्टॉक सिलेक्शन आप खुद देख लीजिए 10-15 तो मिनिमम रहते हैं, और मेरा प्रॉफिट 1:3 से स्टार्ट होता है गाइस, स्टार्ट होता है। थैंक यू सो मच, मेरा यहाँ पे PPT खत्म होता है, आप लोग के लिए इतना ही मेरे लिए है जो मेरा SRM का जो स्ट्रेटजी है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, और जैसे ही मेरा जैसा आपसे कमिटमेंट है 25,000 सब्सक्राइबर्स YouTube में हो जाएंगे सून, मैं एक और पावरफुल अपनी स्ट्रैटेजी आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ, दैट इज ऑल्सो अनबिलीवेबल। जितना प्यार आपने दिया ना उसका डबल प्यार मैं आपको देने में मजबूर कर दूंगा। फॉलो माई स्ट्रैटेजी प्रॉपरली, नहीं समझ में दोबारा देखिए गाइस। एक बात बोलूँ भाई लोग, एक ही बात बोलता हूँ, 100 सुनार की 1 किंग रिसर्च की सिर्फ एक बात, सीखने का सोचो, किसी को टिप्स के पैसे देने का जरूरत नहीं है, खुद सीख लो। और मैं सर सुबह मॉर्निंग में ना 1-1.5-2 घंटे में पैसा बनाता हूँ, बाकी आप लोगों के हेल्प में लग जाता हूँ, आपने खुद नोटिस करो सर, मैं आई एम ए 1-man army, सब चीज़ मैं नहीं कर सकता, राइट, मैं नहीं कर सकता सब चीज़ें, पॉसिबल ही नहीं है सबको हैंडल करना, मतलब सब चीज़ें मेंटेन करना, कैसे मैनेज करता हूँ। मॉर्निंग में 1-1.5 घंटे में जो पैसा बना बटोरा, बाकी मार्केट में लगे रहो, लड़ते रहो, अपना काम हो गया, साइड में हट गए, अपना आप लोगों को टिप्स बनाता हूँ, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में फ्री टिप्स देता हूँ टेलीग्राम में, यूट्यूब को, ट्विटर में हमारे 24,000 फॉलोअर्स है वहाँ पे मैं प्रमोट करता हूँ, स्ट्रैटेजी देने की कोशिश करता हूँ, अपने एल्गो में और अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, बैक टेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, और इम्प्रूवमेंट अपने अंदर लाने की कोशिश करता हूँ, अपने ग्रोइंग के लिए काम करने की कोशिश करता हूँ, फैमिली को टाइम देता हूँ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस पैसा कमा रहे हो, फैमिली को लेके बाहर जाओ, घूमो, आइसक्रीम खिलाने ले जाओ, पेरेंट्स की हेल्प करो, पेरेंट्स से सिर्फ मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले जाके उनसे बात कर लो, दो बात कि पापा नींद कैसी आई, मम्मी नींद कैसी आई, ठीक है, चलो दिल खुश हो जाएगा उनका सर, और उनसे ज़्यादा मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर मुझे गुरु मानते हो तो ये मेरा गुरु वचन है, आप याद रखना, पेरेंट्स की हेल्प करो, उनका ध्यान रखो, फैमिली का ध्यान रखो, पड़ोसियों का ध्यान रखो, पेट्स का ध्यान रखो, अच्छा करोगे तो लाइफ इज सर्किल, कर्मा इज सर्किल,
अच्छा करोगे तो आपको भी अच्छा मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर लविंग मी, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video